नमस्कार, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? चंद साहेब, खुश आमदीद। आइए आइए आचार्य जी, बैठिए। मैं जानता हूं आप फिर से किस लिए तशरीफ लाए हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मेरा महकमा पूरी कोशिश कर रहा है उस कातिल को पकड़ने की। स्वर्गवासी पुजारी जी की जगह लिए मुझे एक साल होने को आया, मगर आप अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सके। याद रखिए, ये शहर देवी मां के मंदिर के कारण ही एक तीर्थ स्थान का दर्जा रखता है, और जिस तीर्थ स्थान पर पुजारियों की हत्या हो जाए वहां यात्री आने से घबराते हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शहर का कारोबार, आमदनी सब यात्रियों पर ही मुनासिर है। आप वजह फरमाते हैं, आज से हम दुगना जोर लगा देंगे। ऑपरेटर, वो मेरे और बंबई का ट्रंक कॉल का क्या हुआ? सॉरी सर, आपका बॉम्बे ट्रंक कॉल, घंटी बजती है मगर कोई उठाता नहीं है। उठाएगा उठाएगा, अरे मैं अपने सिंगिंग स्टार नेफ्यू को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जरा सोचो, जो अपने फैंस को खुश रखने के लिए रात भर गाना गाएगा, वो दिन भर तान कर सोएगा, तुम टेलीफोन की ट्यूनिंग करती रहो जब तक वो रजाई हटाकर टेलीफोन नहीं उठाता, समझी? Thank you.
हेलो भतीजे राम। चाचा जी। चाचा जी इतनी सवेरे सवेरे। बरखोदार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक यहाँ दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। लगता है वक्त मुझसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया चाचा जी। और मेरा ब्लड प्रेशर आगे बढ़ रहा है। क्यों? यही आकर तो सारी ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाती है चांद बेटे। अरे इतनी बड़ी दुनिया में बस मेरा एक ही तो भतीजा है, मेरा चांद, और वो भी इतनी दूर बंबई में बैठा हुआ है। अरे तू तो बहुत जल्दी मुझे भूल जाएगा बस। चाचा जी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, मेरा भी इस दुनिया में आपके सिवा है कौन जिसे मैं अपना कह सकूं। अरे फिर तुम्हें यहाँ होना चाहिए मेरे साथ, मेरे पास इस होटल में। अभी टूरिस्ट सीजन शुरू हो रहा है और उनके एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ तो बस भगवान मालिक। आप बेफिक्र रहिए, आज रात को मेरा लास्ट प्रोग्राम है। तू कुछ भी कर, तू फौरन यहाँ चला मेरे पास और होटल के प्रोग्राम की ट्यूनिंग जमा दे। जमा दूंगा, बस इधर मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ उधर मैं आपके पास पहुँचा। ये हुई ना ट्यूनिंग वाली बात। दोस्तों इस स्वागत के लिए शुक्रिया। आप सब लोग तो अपनी पसंद के साथियों के साथ इस प्रोग्राम में आए हैं मगर मैं स्टेज पर अकेला खड़ा हूं, यह तो नाइंसाफी है। मुझे भी एक साथी चाहिए, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? एक बार और तो फिर मैं आपको चुनता हूं। आपको चुनता हूं, आपको चुनता हूं।
माना के तू हसी है पर सुन ले हुस्न वाले हम भी कुछ कम नहीं है चाहे तो आजमा ले जुली 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 तुम लड़की नहीं मामूली तुझको पाने की खातिर चढ़ जाऊंगा मैं सूली साहब अभी तक आए नहीं। नमस्कार नमस्कार लीजिए आप ही गए कथुरिया जी नमस्कार 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 क्या लंबी उम्र है आपकी बस अभी अभी आचार्य जी ने आपका नाम लिया और आप आ गए बस आप लोग यूं ही मेरा नाम लेते रहिए मेरी उम्र बढ़ाते रहिए ताकि लोगों की सेवा करने का मुझे और भी मौका मिले छोड़िए कथुरिया जी अच्छे ट्रस्टी हैं आप इस मंदिर के 5 टेलीफोन किए हैं आप बस 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 आचार्य जी शर्मिंदा मत कीजिए आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ इसलिए मुझे संस्था की प्रवृत्ति के बारे में कुछ पता नहीं है मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप मंदिर के बाजू वाले मैदान में आलीशान जलसा कर रहे हैं और उस जलसे के लिए मैं तन मन धन से हाजिर हूँ तन मन की यहाँ कमी नहीं है सिर्फ कमी है तो धन की आप कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य जी मेरे होते हुए भला धन की कमी कैसे हो सकती है आप उस चंदे के लिस्ट में इस बंदे का नाम सबसे टॉप पे लिख लीजिए 2,00,000 रुपए मेरे नाम पे बस खुश रागिनी बिटिया जी अग्रवाल जी ताने कष्ट दे रहे हैं तुम्हें जी जरा ये मूर्ति होटल में ठहरे हुए उन जर्मन यात्रियों तक तो पहुंचा दोगी ना जी क्यों नहीं हमेशा पहुंचाती हूं आप घबरा क्यों रहे हैं मैं घबरा नहीं रहे हैं शंका निवारण कर रहे हैं एक ही मूर्ति है विशेष रूप से उनके ऑर्डर के अनुसार बनाई गई है जी तनिक भारी है इसलिए जरा संभाल के देखा ना अभी हो जाती ना यहीं पर ढेर बहुत भारी है बहुत ठोस बनवाई है ना तभी तो अब जरा तुम इसे मजबूती से पकड़ लो कहीं रास्ते में फिसल ना जाओ और कहीं ये टूट ना जाए वरना हो जाएगा हमारा भंटा ढा आप फिक्र ना करें रागिनी कहाँ जा रही हो चंदर रास्ता छोड़ो मेरा छोड़ देता हूँ लेकिन इतनी जल्दी क्या है मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़ो तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अच्छा ठीक है एक खुशखबरी है वो तो सुनती जाओ बोलो मैं शादी कर रहा हूँ मुबारक हो मेरी होने वाली बीवी की तस्वीर नहीं देखोगी सीने से लगाए घूमता हूँ तस्वीर यार की चंदर ये क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं ये तो प्यार का इजहार है इजहार विजहार कुछ नहीं साफ बदतमीजी है ये अगर आज के बाद तुमने यही हरकत की तो मैं पापा से शिकायत करूंगी समझे तुम लेकिन रागिनी याद रखो जिसकी खाते तुम मेरा प्यार ठुकरा के जा रही हो उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन वही चांद और कौन चुप रहो तुम्हारे मुंह से तो मुझे उनका नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो इस वक्त भी किसी न किसी उड़ती हुई तितली के पीछे होगा वाओ क्या तितली है यार अरे ये तो कल के शो वाली तितली है अगर वक्त ने साथ दिया तो प्यारे इस तितली को भी पकड़ के रहूंगा भूल जा भूल जा क्यों प्यारे क्योंकि ये तितली नहीं है ये मधुमक्खी है ये ऐसा डंग मारेगी बच्चे कि बलता रह जाएगा ये 21वीं सदी का वो रॉकेट है जिसने अच्छे अच्छे हवाबाजों को हवा खिला दी मगर खुद कभी किसी की हवा में नहीं आई तो प्यारे इस वक्त के शहजादे की भी हवाबाजी देख लेना अगर इस रॉकेट को अपने दिल में ना उतारा तो मेरा नाम भी चांद नहीं तेरा क्या तू क्या अपना नाम बदलेगा बेटा बटुकलाल ना तो मैं अपना नाम बदलूंगा और ना ही इरादा हाँ हाँ हम भी यही हैं देख लेंगे ये फ्री शो नहीं है बेटा देखने के पैसे लगते हैं पैसे ठीक है
अगर तूने ये बाजी मार ली तो हम दोनों तेरे को देंगे 1000, अगर तू पिट गया तो तू हमें देगा 2000। डन डन। रागिनी बेटी, तू आज जल्दी वापस आ गई। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं पापा जी आपकी चिट्ठी। किसकी है? सोनू की है। अच्छा, सोनू की चिट्ठी आई है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, क्या लिखा है? मैंने पढ़ी नहीं है, आपके नाम है ना? अच्छा, लाओ। लिखा है कि इम्तिहान खत्म होने के बाद इस साल छुट्टियों में यहाँ आएगी, और तेरी चिट्ठी भी मिल गई है। तेरे लिए लिखा है कि इस साल तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तो सबका इंतजार करते करते ही रह जाती हूँ। कभी बॉर्डर पर ज्यादा दिन लग जाते थे तो तुम्हारी माँ भी यही कहा करती थी कि हम तो इंतजार ही करते रहते हैं। शायद नरगिस की आंखों वालों की किस्मत में नरगिस के फूल की तरह ईश्वर ने इंतजार की घड़ियां कुछ ज्यादा ही लिख दी हैं। मगर तू फिक्र न कर, इस साल वो जरूर आएगी, क्योंकि उसका बीए का फाइनल है ना। लेकिन उसके पास पता नहीं क्या हुआ यार। हाय सुजाता। सुजाता, अरे कल जब तुम मेरे साथ शो में डांस कर रही थी ना, शक तो मुझे तभी हो रहा था कि तुम्हें कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा था। तो अब याद आया आपको? अब तो पक्का यकीन हो गया, तुम ही तो सुजाता चटर्जी, मेरी सिस्टर के बचपन की सहेली। ओह, तो हमारी जान पहचान ऐतिहासिक है। एग्जैक्टली सुजाता चटर्जी, पर तुम्हारे खड़ूस खूंखार आई मीन डेंजरस डैडी एयर कॉमोडोर मनीष चटर्जी एक जमाने में क्या स्ट्रॉन्ग आदमी थे, एकदम सॉलिड स्टील, अभी भी वैसे की जंग खा गए। जंग तो नहीं, बस थोड़ा घिस गए हैं। घिस गए हैं? खैर उन्हें छोड़ो, और वो तुम्हारा छोटा भाई मंटू, एकदम सूखा कमजोर मरियल सा, एकदम चूहे की माफी, अरे जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी, अपने डैडी से कितना डरता था वो, अभी भी वो नहीं, अब वो चूहे से शेर बन गया है, अब तो वो दहाड़ता भी है और अपने दांतों और पंजों से फाड़ता भी है। फाड़ता है? उसे भी छोड़ो, और वो तुम्हारे बचपन की अंगूठा चूसने की आदत, लगता है छोड़ दे तुम, बहुत अच्छा किया, रियली वेरी बैड हैबिट, बहुत बुरी। ओ शट अप और बंद करो ये अपना नॉनस्टॉप बाजा। उफ, तुमने मुझसे कुछ कहा सुजाता चटर्जी? जी हाँ, क्योंकि मैं सुजाता चटर्जी नहीं हूँ। नहीं तो सुजाता मुखर्जी? नहीं। तो फिर बैनर्जी? नहीं, बैनर्जी भी नहीं। तो जी आप ही बता दीजिए ना कि आप कौन सी जी हैं? मैंने कहा ना, मैं कोई जी भी नहीं हूँ। सुने श्रीमान जी, ना तो ये चटर्जी है, ना ही ये बैनर्जी है, ये तो है आपकी बहन जी। जी नहीं श्रीमती जी, ये है मेरी बहन जी की बहन जी, अगर आपको यकीन ना हो तो ये फोटोग्राफ देखिए, जो इन्होंने अपनी हैंडराइटिंग में साइन करके मेरी बहन नीलम को भेजा था, और उसने मुझे भेजा ताकि मैं सुजाता को पहचानने में कोई गलती ना करूं। अब आप ही बताइए क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? देखिए सोनू, ये फोटो तुमसे कितनी मिलती है? अरे रियली यार, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती है। अरे जैसी क्या, ये तुम्हारा ही फोटोग्राफ है सुजाता, क्या तुम अपनी हैंडराइटिंग नहीं पहचानती? तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बहन नीलम तुम्हें कितना मिस करती है। देखिए मिस्टर, आई एम सॉरी, लेकिन मैं इतनी देर से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा नाम सुजाता नहीं, सोनू है। तो तुमने बॉम्बे में आके अपना नाम भी बदल लिया? जी नहीं, मेरा नाम तो मेरे पैदा होने से आज तक यही है। बाकी आपकी सिस्टर की जो सहेली है ना सुजाता, हाँ उसकी शक्ल मुझसे जरूर मिलती है। हाँ तो आप जरूर सुजाता की जुड़वा बहन होंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ लेकिन इतना जरूर मानती हूँ कि आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी धोखा खा जाता। anyway, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सोनू जी, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, पर खुशी तो इस बात की है कि इसी बहाने कम से कम मुझे सुजाता की हमशक्ल तो मिली। जैसे ही मैं सुजाता से मिलूंगा उसे मैं आपके बारे में जरूर बताऊंगा, वो तो एकदम से हैरान हो जाएगी। अगर वो आपसे मिलना चाहे तो मैं आपसे कहाँ कॉन्टेक्ट करूँ जी? रियली सोनू, आज इसे फंक्शन में देख के बड़ा मजा आएगा। अच्छा देखिए मिस्टर चांद, चांद देखिए मिस्टर चांद, अभी तो मेरी क्लास है, लेकिन अगर आप चाहें आप 5 बजे मुझे होराइजन होटल में मिल सकते हैं। 5 बजे? ठीक 5 बजे, नहीं तो मेरी बोट मिस हो जाएगी। बोट? ऐसे मेरा तकिया कलाम है। देखिए मैं टाइम का पक्का हूँ, एकदम पक्का। मैं जान गई आप बड़े पक्के हैं, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। बाय बाय, सी यू। बाय बाय। देख ले बटुकला, इसे कहते हैं चांद कपूर का मजबूत इरादा। 5 बजे और बैठी है मेरे इंतजार में। अरे जा। अब तुम 1000 रुपया जमा करके रखो और मैं खेल के आता हूँ फाइनल इनिंग। बाय बाय।
बेचारा पहली बॉल में आउट हो जाएगा। मेरे मुंह की बात छीन लिया। हाय सोनू। हाय। सॉरी मैं 5 मिनट लेट हो गया क्योंकि वक्त मुझसे थोड़ा सा आगे चल रहा है। आज वक्त आगे ही नहीं थोड़ा सा गड़बड़ भी चल रहा है। सुबह से जो हमशक्लों वाला चक्कर शुरू हुआ है ना वो अब तक चल रहा है। वो कैसे? आज जब मैं घर पहुंची ना तो मेरे मामा जी ने मुझे फोटो दिखाई। फोटो देखकर मैं तो हैरान हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने उनके हाथों में ये फोटो देखी मैंने उनसे कहा कि इस आदमी से तो मैं शाम को मिलने वाली हूँ। पहले तो वो घबरा गए, फिर उन्होंने कहा ऐसे ठगों से तुम्हारा क्या वास्ता। ठग? हाँ, और जब मैंने उनको अपनी सुबह वाली मुलाकात के बारे में बताया तो कहने लगे चलो अच्छा है, जिस चार्ल्स सोबराज की मुझे तलाश थी उसे मैं आज उनके हाथों पकड़ लूंगा। लेकिन सोनू मेरा नाम चार्ल्स सोबराज नहीं, मेरा नाम चांद है। चांद? ओह, तो तुमने भी बॉम्बे आकर अपना नाम बदल लिया? नहीं यार, मेरा तो बचपन से यही नाम है, मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से रखा था। चांद? चांद! ये मेरे पिताजी कहाँ से आ गए? हम तुम्हारे पिताजी नहीं है जानी, हम है इंस्पेक्टर राज्य मलकानी। सोनू ये राज्य हमारे बीच में कहाँ से टपक पड़े? घबराओ नहीं, अब ये तुम पर झपट भी पड़ेंगे। अरे यही तो है मेरे मामा जी। मामा जी मिस्टर चार्ल्स सोबराज, मेरे मामा जी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर राज मलकानी, यही जूह पुलिस स्टेशन में इनकी पोस्टिंग हुई है। मामा जी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? अरे तुम्हारे जैसा आशिक लोग का दिमाग ठीक करने के लिए बैठो। मामा जी आप भी बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। अरे बच्चू मजाक तो हम पुलिस स्टेशन का लॉकअप में जाके करेगा। छोड़िए मामा जी, क्यों ना मामला यही निपटा लिया जाए। रखिए रखिए मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। बाय बाय। इतनी भी जल्दी क्या है जानी, 100 रुपए में चाहते हो जान छोड़ानी? जानी हम रिश्वत नहीं खाते हैं, हम तो सिर्फ हथकड़ी पहनाते हैं। ये मैं रिश्वत नहीं दे रहा, चाय चाय का बिल। अच्छा, इंस्पेक्टर मलकानी का ईमान इतना कमजोर नहीं है कि एक कप चाय के अंदर डूब के अपना दम तोड़ दे? क्यों सोनू, लगा दूं हथकड़ी, कर दूं दो केस रजिस्टर? सोनू समझाओ ना, जो कुछ भी वो तो एक मजाक था। तो तुम मान रहे हो सुबह जो तुमने मजाक किया था वो घटिया था? तुम जो कहती हो मैं मान लेता हूँ। तो प्रॉमिस करो कि तुम मजाक करने का इतना घटिया तरीका कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम कहती हो तो ये भी मान लेता हूँ, पर आगे से कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा। अगर तुम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेगा ना तो फिर हम तीसरा तरीका इस्तेमाल करेगा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड डिग्री, समझा? नहीं मामा जी ऐसा मत कहिए। तो फिर वादा करो कि लड़की लोग को फिर से कभी नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल नहीं मामा जी। भाई सुनो मैं चलता हूँ, कहीं मेरी बोट ना मिस हो जाए, अगर भगवान ने चाह तो फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय। सोनू ये तुम्हारा बिल का पैसा भी मिल गया, लो। थैंक यू मलकानी अंकल, आपने तो मुझे बचा लिया। अरे कोई बात नहीं, हम पुलिस वालों का तो, अरे 2 आदमी लोग का चाय का 100 रुपया, अरे बड़ा महंगा होटल है, हम तो समझा था 50-60 रुपया बजेगा, शाम का बंदोबस्त हो जाएगा, चलो जाने दो। अरे यार ये 21वीं सदी की लड़कियां भी कितनी फास्ट होती है, सुबह मुलाकात हुई और शाम को शादी की तारीख के लिए मामा जी को साथ ले आई। तौबा यार तौबा। यार मामा तो बिल्कुल पुलिस वाला लगता था, हम तो समझे कि तू आज गया अंदर। इतना तो गया भी था नहीं हूँ प्यारे, पर एक बात जरूर है कि तूने आज तक की लाइफ जरूर पुलिस लॉकअप में काटी है, तभी तो उसके मामा को देखते पहचान गया है। लेकिन चांद उसके मामा ने तेरे दोनों हाथ क्यों पकड़ रखे थे? अरे यार यही तो बता रहा हूँ, उसके मामा जी हाथ पकड़ के मिन्नतें करने लगे, चांद बाबू जब तक आप इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा मामा जी मैं चाहे जैसा भी हूँ मगर मेरे चाचा जी बहुत पुराने विचारों के हैं, उनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता और उन्हें पटाने के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे यार ये कहकर तो मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। और मिस्टर पटुकुलाल हमारे 1000 रुपए का है, थोड़ी देर रुक जाना यार। अरे यार मेरी बोट मिस हो जाएगी और सारा मामला उल्टा हो जाएगा, चाचा जी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है 1 2 3 कैसा गिनते क्या गिनते क्या और क्या गिनती है? देखो 100 200। आज चाचा जी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। बाय। अरे भाई सुन तो, हम तो हार गए यार। बाइक मेरी है। है नहीं थी। क्यों? तेरे अब तक तो चाचा जी के पास पहुंच चुका होगा। शिट। कथुरिया जी एक बात फिर से याद दिला रहा हूँ मैं है कि फंक्शन वाले दिन वक्त पे आने की ट्यूनिंग को बिगाड़िएगा मत। अगर टैक्सी वक्त पे पहुंच गई, अगर देवी माँ की कृपा हो गई तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। सुन लिया चंदर? और देख
जी कथुरिया जी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद तू जेटी से चांद को उठा लेना। अच्छा। वो आज आने वाला है। ठीक है चाचा जी। ओह गेस ऑन दैट। ओह गॉड ब्लेस यू भाई। कमबैक इसको भी इसी वक्त आना था। इसमें आपका कसूर नहीं कथुरिया जी, मौसम की ट्यूनिंग ही बिगड़ी हुई है। अरे लेकिन इसने तो मेरी ट्यूनिंग बिगाड़ी हुई है ना। अब देखिए रुमाल निकालता हूँ और माल गिर जाता है। शुक्र करिए नोट वोट नहीं गिरा। कपूर साहब नोट होंगे तो गिरेंगे ना। वो भी ठीक है, आप तो चेक का उपयोग करते हैं। ओ चंदर वो चांद को साथ ले आना जरूर। अच्छा जी तो आप रास्ते में सीखते ही जाइएगा। देवी माँ रक्षा करे। चांद चांद कैसे अजीब जगह आकर फंसा दिया है, दो मिनट में सन्नाटा हो गया। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे? नहीं आया ना, मैं जानता था तू चौधरी का चांद ही निकला। ए मिस्टर, यहाँ टैक्सी मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब तो मेरी टैक्सी भी खाली है, जिसे ढूंढता था रात के ख्यालों में वो मिल ना सका मुझे दिन के उजाले में। तो ले चलोगे? कहाँ? किसी ऐसी जगह जहाँ कुछ दिन शांति से गुजार सके। हेलो, ओ खन्ना साहब, जय हिंद। ओहो आप घबराइए मत, आपके लोन की एक एक पाई सूद समेत चुका करी मेरा राम नाम सत्य होगा। साइलेंस कपूर साहब, साइलेंस। तुम्हारी स्टोरी बड़ी ओल्ड हो गई है। तुम्हारे होटल में तो कौवे उड़ रहे हैं, कौवे। अरे मर्डर मिस्ट्री की तरह मेरे लोन की इंस्टॉलमेंट तो बस मिस्ट्री बन के रह गई है। ओ मिस्ट्री मिस्ट्री कुछ नहीं खन्ना साहब, कल परसों चांद बेटा वापस आ रहा है, कुछ ना कुछ तो साथ लाएगा। ओहो कपूर साहब, ऊंट के मुंह में जीने वाली बात मत कीता करो। अरे भाई लखा रुपए दे लो दी गल है, कोई हजारों रुपए की बात तो है नहीं है। देखिए खाम खा रिलेशन खराब हो जाएंगे बस। यू थिंक समथिंग एल्स नाउ। ओ साइलेंस खन्ना साहब, साइलेंस। हमें रिलेशन खराब नहीं होने देना, हमने जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे। जय हिंद। हमें बक बक करता है। मुयादा सर, भाई मरासी वाली शक्ल बना के बैठ जाएंगे दोनों चाचा भतीजा बस। क्या कह रहे हैं कपूर? ओहो कहने की है, लोन देना बड़ा इजी है लेकिन जब वापस करना होता ना तो पीड़ होती है पब्लिक को। हाँ मैंने तो पहले ही कहा था सोचकर कर्जा दो, और पता नहीं आप भी क्या सोच रहे थे। अरे साइलेंस साइलेंस, मैंने जो भी कुछ सोचा था ना वो सही सोचा था। तू देख लेना एक दिन इसी होटल को कुड़ करवा के मैंने खुद ही खरीद लेना। हाँ उसकी क्या जरूरत है, एक बात कहूँ उसके भतीजे चांद को अपना जवाई बना लोगे ना तो होटल वैसे ही अपना हो जाना है। वाह भाई वाह, आज तो तेरा दिमाग भी चल पड़ा है? लेकिन आचार्य की बेटी के सामने अपनी बेटी पिंकी का कोई चांस नहीं है। तो आचार्य की बेटी को बीच में से हटाकर स्यापा खत्म कर दो ना। साइलेंस साइलेंस, ऐसी बातें जोर से नहीं करते। तुम्हारी औरतों की जबान से लगा में नहीं होती, बस किसी और ना ना ऐसे गलत कर देना। हाँ अच्छा मैं चलना, मेरा बैंक के अंदर टाइम हो गया। सुनो जी, आ जाते वक्त बैंक से मेरे गहने ले आना। गहने? क्यों? टीटू की शादी में जाना है ना। हाँ ठीक है ठीक है, जब जब शादी में जाना होगा तो तुम्हारे गहने भी आ जाएंगे, अभी सेफ्टी लॉकर में पड़े हुए हैं और बैंक भी फिर अपना ही है। अच्छा मैं चलता हूँ। मैडम मोटरसाइकिल, ये तो अच्छा पेट्रोल पंप सामने है, नहीं तो तुझे खींचते खींचते मैं ही पैसा मर जाता। ओ भाई यार टैंकी फुल कर दो यार। और टैंकी फुल कर दो, मेरे अकाउंट में डाल देना। चाचा जय। पति जी राम। हाय 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 हाय। हट दूर हट, मैं तुझसे बात नहीं करता। क्यों चाचा जी? पति जी राम, तुम नहीं सुधरोगे भाई, बोर्ड से ना सही, हवाई जहाज से आओ भाई, ट्रेन आओ, लेकिन नहीं साहब, आप तो फटफटी में आएंगे और मेरा दिल यूं 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 हो जाएगा, और फिर इसी पेट्रोल पंप पे आकर आप अपनी टैंकी भरवाएंगे और मेरे अकाउंट में जाएगा बिल। चाचा जी यही तो हमारी मजेदार ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग तो है, बस तू जा होटल जा और अपना होलिया ठीक करके, मैं तेरा रुस्तम जी से मिलकर आता हूँ। ओके चाचा जी, यू आर लुकिंग फाइन, बाय बाय। हेलो डार्लिंग,
रुबी 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 मैं किन्नी वरी तेनू कह चुका कि बैंक में कोई ऐसी हरकत मत किया कर जिससे मेरी रेपुटेशन स्पॉइल हो। खन्ना साहब, जैसे आप अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं ना, वैसे ही मुझे जब इनकी जरूरत पड़ती है तो मुझे आपका ख्याल आता है। ओहो, मनी मनी मनी, बस मनी का ही बिखेड़ा है इस वर्ड में। हाँ अच्छा, अब एक काम कर बस दादी, अब तू जा, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, जा जा जा। इतनी टेंशन में क्यों हो डार्लिंग? रूपी, तुझे तो सब कुछ पता है कि वो जो ज्वेलरी तूने गिरवी रखवाई थी ना और उसके बदले में कैश लिया था, बस उसी की टेंशन है। आप आज मेरी वाइफ ने वही ज्वेलरी मुझसे मांगी, अब मैं उन्हें सामने क्या मुंह लेके जाऊंगा। ओहो, वही नकली ज्वेलरी जिसे आपने असली की जगह लॉकर में रखवाई थी। ओहो, साइलेंस साइलेंस, तू जरूर एक दिन मेरा बेड़ा गर्क करवाएंगी। हाँ खन्ना साहब, मैं आपका बेड़ा गर्क बिल्कुल नहीं कराऊंगी। वो क्या है, वो जो चांद है ना, वो आज आ रहा है, उसके साथ मुझे डांस रिहर्सल पे जाना है। मैं जाऊं? तू नहीं जाएगी, तू तो मेरे दिल में नाचेगी मेरी जान। बिल्कुल सही। रुबी, हाँ? ऐसी एक्टिंग करते कि आचार्य की बेटी जो है ना, वो चांद को ना पा सके। हाँ? ओ हो 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 हो, कहीं आप रागिनी को हटाकर चांद को अपना दामाद तो बनाना नहीं चाह रहे? May I come in? Yes, come in. Good morning, sir. अच्छा हुआ गुप्ता जी आप आ गए। वो क्या है कि रूबी जी को बैंक में एक लॉकर चाहिए, जब भी कोई लॉकर खाली हो तो इन्हें दे देना। सर जैसे खाली हो जाएगा मैं दे दूंगा। थैंक यू मिस्टर खन्ना, मैं फिर आती हूँ। बाय बाय बाय। हाँ भाई गुप्ता, क्या बात है? सर ये कपूर साहब के होटल के अकाउंट से जो आपने मंगाए थे। अच्छी तरह चेक कर लेता है ना, आफ्टर ऑल ये कपूर के डूबते हुए होटल का मामला है। शाबाश शाबाश, लेकिन इतने से पैसों से ट्यूनिंग कैसे करेंगे भतीजे राम? ये पैसा तो यहाँ का एक दिन का खर्चा भी नहीं है, और सीजन कैसे चल रहा है तुम देख ही रहे हो। घबराइए मत चाचा जी, सब ठीक हो जाएगा। यार इसी उम्मीद पर हम केदारनाथ खन्ना के बैंक के कर्जे में गले गले तक डूबे हुए हैं। चाचा जी सही पूछो तो आपकी ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ है। अरे आजकल पब्लिसिटी से तो लोग घटिया से घटिया चीज बढ़िया बनाकर बेच लेते हैं, और हमारे पास तो A1 होटल है, प्यार भरी शांति, देवी का मंदिर, अरे हम तो कमाल कर सकते हैं। बस हमें चाहिए थोड़ी सी पब्लिसिटी, और पब्लिसिटी के लिए चाहिए थोड़ा सा पैसा। पैसा? यहीं से सब ट्यूनिंग बिगड़ जाती है। पैसा पैसा कहां से आएगा पैसा? ओ मैं क्या बात करूं कपूर साहब, क्या हालचाल है? सब ठीक ठाक है ना? इसे कहते हैं वक्त। अरे खन्ना अंकल के पास पैसे की क्या कमी, इनके बैंक से ले लेंगे। क्यों अंकल? क्या भाई, केदारनाथ का बैंक को चैरिटी हाउस है। कपूर साहब ये संभालो अपने बैंक के अकाउंट स्टेटमेंट से। देखो कपूर साहब, सारे प्रॉमिस इस बार फिर गॉन, ये सीजन भी गॉन। अब बताओ चाचा भतीजा दोनों मिलकर मुझे टरकाने की कौन सी नई स्टोरी बनाओगे? हाँ खन्ना साहब, हम चाचा भतीजा भी यही सोच रहे थे। साइलेंस साइलेंस यार, फिर वही खैली पलाओ। अरे भाई पराई दमड़ी से कोई साहूकार नहीं बनता। हाँ पैसा वो जो पल्ले, बात वो जो चले। हाँ प्लीज अंकल, सिर्फ 2-2.5 लाख की बात है, फिर देखिए क्या जोरदार पब्लिसिटी करते हैं और क्या धूम मचाते हैं। नो 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 मोर क्रेडिट। अरे तुझे पब्लिसिटी का इतना ही शौक है तो चाचा को बोल कि प्रॉपर्टी बेच दे। हाँ? मेरे दोस्त, ये जायदाद तो हमारे बुजुर्गों की निशानी है, चांद जैसे आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। तू क्या बोल रहे हैं? अरे भाई मेरे बैंक का पैसा भी तो लोगों की अमानत है, और इस अमानत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मैं मानता हूँ खन्ना साहब, मैं मानता हूँ। ये रेंट तक मेरा सारा अकाउंट क्लियर कर दो, समझे? ओके दैट्स ऑल। हाय चांद, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अभी तो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, होटल में मिलेना। वहाँ तुम मिलते ही कहाँ हो, हमेशा भीड़ में घिरे रहते हो। तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि दिल की बातें भीड़ में नहीं अकेले में की जाती हैं। देखो रागिनी, पिछले 1 साल से जब से तुम इस शहर में आई हो,
मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारी घिसी पिटी बातों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे प्यार की बातों को घिसी पिटी बातें मत कहो। तो और क्या कहूँ, जब तुम्हारे प्यार के वन वे ट्रैफिक से मुझे कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन मैं तो इसे दो तरफा बनाना चाहती हूँ। तुम्हारा चाहना तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं बना लेते? जिस रास्ते मुझे जाना ही नहीं उसके बारे में सोचूं क्यों? तुम्हें सोचना पड़ेगा मेरे प्यार की खातिर, क्योंकि मैंने मन और आत्मा से तुम्हें अपना पति और अपने होने वाले बच्चों का पिता मान लिया है। क्या ऊटपटांग बातें कर रही हो? जानते हो इस तरह की बातों से तुम्हारी कितनी बदनामी हो सकती है? कौन डरता है बदनामी से? मैं तो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहने वाली हूँ कि मैं चांद से शादी करूँ। चांद मेरे होने वाले बच्चों का पिता है। रागनी बंद करो ये बकवास, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। मैं तो तुम्हारे प्यार में हर हद से बढ़ जाना चाहती हूँ। ये तुम्हारा जुनून है। किसी की पत्नी बनना या किसी के बच्चों की माँ बनना क्या जुनून है? पत्नी का माँ बनना जुनून नहीं, मगर इस तरह गले पड़ना बेशर्मी है। बेशर्मी होगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं सबके सामने कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। चांद, तुमने मेरे प्यार का जवाब ये दिया? तुमने मेरा प्यार देखा है, जिद नहीं। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी तो क्या, मैं तुम्हारी जैसी लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे उकसाओ मत कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूं। क्या बदनाम करोगी? मैं सबसे कह दूंगी कि तुम मेरे होने वाले बच्चे के पिता हो। देखो, अगर तुमने मुझे इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी जान ही ले लोगे ना? ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। रागनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि चांद को पकड़ना इतना आसान नहीं, वो बेवफा और आवारा है। चंदर, तुम चांद के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे? बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए और ज्यादा बोलूंगा। अगर दोबारा से तुम्हारा बदन छूने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। तुम क्या उसका हाथ काटोगे? उससे पहले तो मैं उसका हाथ जिंदगी भर के लिए थाम लूंगी। तो मैं तुम्हारे भी हाथ काट दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। बेकार की धमकी मत दो चंदर। ये कोरी धमकी नहीं है जानेमन, अपने प्यार की खातिर जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। तुम्हें जितना जलना है जलो, मगर मैं चांद के सिवा किसी की नहीं होंगी, समझे? डर गए क्या? दोस्तों से कैसा डर? शायद तुम ये भूल रहे हो कि जिगरी दोस्त ही जानी दुश्मन होते हैं। इतना तो मुझे यकीन है कि तुम जैसी हसीन और बेहतरीन दोस्त कभी दुश्मन नहीं हो सकती। लेकिन हम पूरी तरह से दोस्ती भी नहीं कर सकते। हाँ, क्या थोड़ी थोड़ी दुश्मनी भी रखती हो? ढेर सारा प्यार करती हूँ, दिलो जान पे मरती हूँ तुम पे। बहुत महक रहे हो, कहाँ जा रहे हो? शाम के गाने की तैयारी कर रहा हूँ, और जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। कम से कम तुम्हें 4 घंटे लगते हैं तैयार होने में। वो तो तुम्हें दिखाने के लिए करती हूँ। Enough रूबी, मजाक बंद करो। आजा सना, वरना तो हम मर जाएंगे। ओ मेरी जान, मेरी कसम है तुमको, तेरे बिना जीना भी क्या है जीना। चलो कहीं दूर चले जहाँ कोई ना हमको मिले, बस तुम हो और मैं हूँ। जाने जान पहाड़ों तले बादलों का धुआं, वही आओ
मसाले मोहब्बत का हम आशियां। धूप हो चाहे तारों भरी रात हो, तुम ख्यालों के आंगन में हर पल मेरे साथ हो। सॉरी माफ कर दीजिए, वो क्या था कि रास्ता थोड़ा सा लंबा था आचार्य जी। देर आए दुरुस्त आए। ओ इसकी क्या जरूरत थी। आदाब, नमस्कार। तुम हमेशा कपड़े उतारने और कपड़े पहनने में इतनी देर कर देती हो, चल जल्दी कर। सॉरी जी सॉरी। ये लो खन्ना साहब भी आ गए। भाई लेट हो गया जरा। वो क्या है जी के पिंकी की मम्मी जो है ना, ये लिस्ट्री और लिबास पहनने में जरा टाइम लेती है। नमस्ते भाभी। आइए चलें, पहले ही देर हो चुकी है। हाँ चलो चलो। जय हो। अरे आओ आओ आओ। ये क्या कर रहे हैं आप कहाँ थे अग्रवाल जी? भैया हम तो सोमरस के रस में डूबे देवी मैया की महिमा का आनंद ले रहे थे चकाचक। I'm sorry. मैडम क्या हुआ? मैं वॉचमैन यहाँ का, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लाश? हाँ लाश है वहाँ पर, आप चलिए मेरे साथ। मैडम आप घबराई नहीं, बताइए आपने कहाँ देखी है लाश? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? आप चलिए मेरे साथ, कमरे में मैंने देखी है। अरे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ मैं, क्या क्या कर रही हो तुम सब? मैडम कह रही है उन्होंने कमरे में कोई लाश देखी। लाश? हाँ वहाँ पर लाश है, आप चलिए तो सही मेरे साथ, आप देख लीजिए ना। बकवास मत करो, कोई लाश वाश नहीं होगी। एक बार देख लेते हैं। हाँ जरूर चलो ना। चलिए सर। वॉचमैन दरवाजा खोलो। यहाँ तो कोई लाश नहीं है साहब, सिर्फ चार्ली है। गुड इवनिंग सर। चार्ली आपके लिए कुछ करने को सकता? मैंने तुम्हें कहा था ना कोई लाश वाश नहीं है। नहीं जी पर मैंने यहीं पर लाश देखी थी। तुम पर आप करना, और यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को बताना मत। चलो आओ चलो। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, जान बची तो लाखों पाए। मैं देवी माँ से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों भी लाखों करोड़ों पाए, क्योंकि देवी माँ की कृपा से। आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, मंदिर में लाश। Thank you.
नर्क सी आंखों को किसी का इंतजार नहीं रहेगा। हौसला रखिए आचार्य जी, कपूर साहब, ब्रिगेडियर भवानी सिंह चौहान ने जिंदगी में बहुत आग और खून देखा है। अपनी हरी वर्दी के नीचे सीने में आग लिए कितने आग के शोले बरसाए हैं और न जाने कितने खून के दरिया बहाए हैं। आखिर में यही पाया कि ना तो आग से दुश्मनी खाक होती है और ना ही खून से किसी की प्यास बुझती है। बस उसी दिन से मन की शांति के लिए ये आग ओढ़कर फकीर बनने की ठान ली। कपूर साहब, यहाँ की चंदन जैसी मिट्टी ने मेरे दिल में प्यार की खुशबू भर दी थी, मगर मैं भूल गया था कि चंदन के हरे भरे जंगलों में ही जहरीले सांप भी पलते हैं जो ऐसे मासूमों को डस लेते हैं। माफ कीजिए, हम अपनी इंक्वायरी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अपने अपने घर चले जाएं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये देखो, ये देखिए सर, खून की बूंदें, लाश घसीटी नहीं गई, लाकर रखी गई है। खूनी लाश पे दर्द से लेकर आया होगा। देखिए सर, ये खाओ। किसी नुकीली कील जैसी गोल चीज को पूरी ताकत से सांस की नली तक चुभाया गया है। मेरा दिल है तेरे नाम, आजा मेरी जान, होटल के कमरा नंबर 112 में मिलना है तेरा काम, तुम्हारा अच्छा। शाबाश, हमें अपने शागिर्द पर फख्र है। इल्म सही हासिल किया है तुमने। चलो कमरा नंबर 112 में चलते हैं, शायद वहां कोई सुराग मिल जाए। मर्डर करने के बाद किला लाश को लेकर यहां से भागा। अगर खिड़की बंद थी तो वो आया कहां से? यही तो कोई बताता नहीं। और नहीं कोई बताएगा। यह मसला यहां के मंदिर के पुजारी की बेटी का है। जरा गौर करो, किसी भी खूबसूरत जवान लड़की के कत्ल के पीछे सबसे पहली वजह उसका जिस्म होता है। इसलिए आचार्य जी की इज्जत की खातिर यहां के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे और हमें भी थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। आप ही तो कहते हैं सर कि फर्ज बहुत तन्हा होता है, बेचारे का ना कोई नाता ना रिश्ता। वैसे ही बात साफ है कि ये मसला आशुकल माशुक का ही लगता है। फिर भी हमें अपनी तसल्ली के लिए थोड़ी बहुत तहकीकात करनी चाहिए। तुम इस होटल में रहने वाले लोगों का बयान लो। चलो चलो। यस सर। उठिए, अच्छी उठिए ना। रात को तो चैन से रहा करो तुम। देखिए कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कौन है? आ रहा हूं। कौन है? यस ऑफिसर। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। परेशानी क्या है? कमरा नंबर 112 में एक मर्डर हुआ है। मर्डर? देखा, मैंने कहा था ना जी, लाश देखी है मैंने। मैडम,
तब तो आपको पुलिस स्टेशन आकर आपको अपना स्टेटमेंट लिखवाना होगा। पुलिस स्टेशन? मोहतरमा, आपने जो भी अपनी आंखों से देखा हो वही बयान कीजिएगा। ख्याल रहे कहीं कोई गफलत न हो जाए। दबे, अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। झूठ, फिर झूठ। कल रात को भी रागनी को रूम में बुलाकर तुमने जबरदस्ती उसका फोटो खींचने की कोशिश की और इस जबरदस्ती में तुमने उसका मर्डर कर दिया। नो सर, आप उनका तो फोटो खींचना ही नहीं आता। झूठ बोलता है। लड़कियों के नंगे फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल करने का धंधा करता है तू। नंगी फोटो? ओ गॉड, सेव मी। फोटो खींचना तो दूर, अपन तो नंगी लड़की की तस्वीर देखना भी सीन समझता है। सीन समझता है? तो फिर इस फाइल में जो लड़कियों के नंगे फोटो तुम्हारे कमरे से मिले वो कहां से आए? ये सर, ये तो अपन को कस्टमर लोगों का रूम क्लीन करने के टाइम मिला था। कल रात भी जब रागनी का मर्डर हुआ उस वक्त भी तुम उस रूम को क्लीन कर रहा था ना? नो 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 सर, अपन उस टाइम फंक्शन में था, सब लोग विटनेस है। तो फिर रागनी का रूम कौन सा? सर, अपन को बोलने को भी नहीं सकता। हाँ, क्यों बोलने को नहीं सकता? अपन सोचने को भी नहीं सकता। जिसको छोकरी इतना लव करता, इतना लव करता, वो आदमी उस छोकरी का मर्डर करने को सकता? किसको लव करता? होल सिटी जानता। वो किसको लव करता? Shut up! Get out! Get out! लेकिन अग्रवाल साहब, आपकी दुकान में तो वो काम करती थी, आप भी तो उसकी जाती जिंदगी से वाकिफ होंगे। अरे रागनी तो एकदम गैया थी जंग साहब, एकदम गाय, सीधी सरल। और फिर ये तो सारा जग जाने है कि वो चांद बाबू से प्रेम करती थी। अथा प्रेम। नोट कीजिए। जी सर। और चांद? अब आप हमें झंझट में ना ही डालें तो उचित होगा जंग साहब। वैसे चांद बाबू नाम के ही नहीं स्वभाव के भी चांदी है, अति चंचल, कभी इस पर और कभी उस पर। नोट कीजिए। यस सर। नहीं नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि चांद हत्यारा है, बाकी तो आप स्वयं जानते ही हैं कि पुरुष की बुद्धि और नारी का चरित्र तो देवताओं के लिए भी रहस्य है। नोट कीजिए सर। अच्छा, ही रहने दीजिए। ओके सर। नारी से आपका मतलब? नारी। मेनका, उर्वशी, रागिनी, रूबी। फंक्शन से मैं गायब नहीं हुई थी, ग्रीन रूम में कपड़े बदलने गई थी। ग्रीन रूम या कमरा नंबर 112? कमरा नंबर 112 में मैं क्यों जाने लगी? क्योंकि कमरा नंबर 112 में वो लड़की थी जिससे तुम जलती थी। मैं क्यों किसी से जलने लगी? क्योंकि वो लड़की भी उस लड़के को प्यार करती थी जिसे तुम अब भी चाहती हो। जलती तो तब अगर वो लड़का भी उस लड़की से प्यार करता। और वो आपकी बजाय चांद से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से आपने उसका कत्ल किया। नहीं सर। झूठ मत बोलो। तुम फंक्शन से कब बाहर गए और कब वापस आए इस बात का एक एक मोमेंट नोट है मेरे पास। और उसी वक्त होटल में कत्ल हुआ था। सर, लेकिन मैं तो एयरपोर्ट, मेरा मतलब कथुरी साहब को एयरपोर्ट से लाने के लिए टैक्सी अरेंज करने गया था। और उसके बाद कमरा नंबर 112 में चले गए जहां आपने कत्ल के इरादे से रागनी को किसी बहाने से बुलाया था। सर, अगर मैं उसे बुलाता भी तो वो कभी नहीं आती, क्योंकि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। तो फिर किससे मिलना चाहती थी? किससे? वो तो एक ही आदमी से मिलना चाहती थी। किससे? सिर्फ चांद से सर, चांद से। चांद? ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि वो दोनों अक्सर मिला करते थे, कल भी मिले थे सी बीच पर, आपस में झगड़ रहे थे। मैंने इन आंखों से देखा सर, इन आंखों से मैंने उन्हें देखा। इन आंखों से? लेकिन जनाब, आप कल सुबह की बात कर रहे हैं और हम कल रात की। हो सकता है कल सुबह की लड़ाई के बाद रात को सुलह सफाई के लिए मिले हो और बात बढ़ गई हो। मगर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। खैर, अभी तो आप यहां से जा सकते हैं, लेकिन कस्बा छोड़कर नहीं जा सकते। जी सब, थैंक यू सब, थैंक यू सर। दो चाय तो हो गए। हां, अब चौदहवीं का चांद बाकी है। चांद? चाचा जी, मुझे तो कल बंबई जाना है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के प्रोग्राम परसों शुरू हो जाएंगे। बेटे, तो बंबई के प्रोग्राम को भूल जा कुछ दिनों के लिए, पहले होटल की ट्यूनिंग को ठीक कर।
देखता नहीं एक के बाद एक कोई मुसीबत चली आ रही है। लो, लो, लो। जो जमाने के सितम वो जमाना जाने। वाह, तूने दिल कितने जलाए हैं कि जी जानता है। क्या बात है, इन्हीं कदमों ने तुम्हारे, इन्हीं कदमों की कसम खाक में इतने मिलाए हैं कि दिल जानता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जनाब असली बात तो ये है कि रागनी के कत्ल के जुर्म में चांद को क्यों ना हिरासत में ले लिया जाए। जंग साहब, मजाक के लिए हम ही मिले हैं क्या? जनाब कपूर साहब, हम पुलिस वाले फर्ज और कानून के मामले में मजाक नहीं करते। गोया कि ये मजाक नहीं है। जी नहीं, हकीकत है। तफ्तीश के दौरान हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपको रागनी के कत्ल के शक में गिरफ्तार कर लिया जाए। जंग साहब, शक और असलियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसी शक को मिटाने के लिए ही हमें ये सितारे दिए जाते हैं। लेकिन जब आपके सामने असलियत खुलेगी तो आपके सितारे फीके पड़ जाएंगे। बरखोरदार, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई गुना ज्यादा मुजरिमों के सितारों को गर्दिश में डाल दिया है हमने। दवे ले चलो इसे। रुके मिस्टर दवे, लेकर तो आप तब जाएंगे जब मैं आपके साथ जाऊंगा। ए मिस्टर, फिजूल की बात मत करो, समझे? फिजूल की बात मैं नहीं, आप कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि इस देश का हर नागरिक बेगुनाह है जब तक उसे गुनाहगार साबित करने के लिए पुलिस के पास ठोस सबूत ना हो, और आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप इसे अरेस्ट करना चाहते हैं, जरूर ले जाइए, मगर वारंट दिखाने के बाद। आप हमें कानून पढ़ा रहे हैं? जी नहीं, पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। बेबुनियाद शक पर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। जी नहीं। देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, आज नहीं तो कल वारंट भी निकल जाएगा। उस रात का एक एक मिनट नोट है मेरे पास। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर मैंने किया? मर्डर भी उसी दौरान हुआ था। तो उससे मेरा क्या लेना देना? लेना देना भी सामने आ जाएगा, बस एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ जाए। चलो दवे। राइट सर। क्या बात है जनाब, पोस्टमार्टम का नाम सुनते ही एक निशन में पसीना आ गया। बरखोदार, कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम्हारा चाचा जानता ना हो? जी हाँ, रागनी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि मैं उसे शादी कर लूं, नहीं तो सबको कह देगी कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ओह माय गॉड, और तुम्हारा ख्याल है कि सारी बातें पोस्टमार्टम में जाहिर हो जाएंगी और पुलिस समझेगी कि? चाचा जी, पुलिस तो मुझ पर शक कर रही है, पर आपका तो मुझ पर भरोसा है ना? ओए भतीजे राम, ओए तू चिंता क्यों करता है, हम सारी ट्यूनिंग ठीक कर देंगे। रास्ता मैं बताता हूँ, लॉक कर दो लॉक, प्रॉपर्टी सेल कर दो, समझो जितना नहाए उतना पुण्य, वरना नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? खन्ना साहब, एक साल में 365 दिन होते हैं, जब एक इंसान के हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, तो हमारे 365 दिन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? अरे बरखुरदार, चाचा से अगर इतनी हमदर्दी थी तो पहले मदद करता। अरे तब की छोड़ी, अब तो जुबान दे रहा हूँ, इस साल हम आपका कर्जा उतार देंगे। जबान जैसी स्लिप करने वाली चीज पर मुझे कोई फेथ नहीं है। हाँ, दो मिनट में बंदा कह देता सॉरी सारा स्लिप ऑफ टांग है। अच्छा भाई कपूर, मैं चलना। ओके चलो, मुसीबत टली। मुसीबत और पड़ने वाली है, कुछ सोचो भतीजे राम, ये बड़ी ट्यूनिंग वाला मामला है। आइडिया चाचा जी, क्यों ना हम अपने एक डांस कॉम्पिटिशन करवाए और उसके साथ फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपए और उसके साथ ब्रांड न्यू मारुति कार रखें, तो लोग जरूर आएंगे और अपना होटल भर जाएगा। सिंपल। जानता है कितने का हिसाब किताब है? ये ट्यूनिंग नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है चाचा जी, जब इंसान परिंदों की तरह उड़ना चाहता है तो हवाई जहाज बना लेता है, और जब चांद पर पहुंचना चाहता है तो रॉकेट बना लेता है। क्या हम अपने छोटे से शहर में एक डांस कॉम्पिटिशन नहीं करवा सकते? करा सकते हैं, जरूर करा सकते हैं, जब इरादा मजबूत हो और मंजिल का पता हो तो देवी माँ रास्ते की ट्यूनिंग खुद कर देती। ये हुई ना ट्यूनिंग वाली बात। सोनो, चांद तुम इस वक्त? अभी अभी किसी ने मुझ पर हमला किया और वो भागकर इसी तरफ आया। हमला? कौन हो सकता है वो? वही जिसका मुझसे खतरा। अरे तुम्हें तो चोट लगी है, मैं दवा लाती हूँ। रहने दो, आचार्य जी उठ जाएंगे। जागे हुए को कौन जगाएगा, अच्छा हुआ तुम पर ये हमला हुआ। पापा आप ये क्या कह रहे हैं, चांद की जान को तो खतरा है। बेटी, चांद पर हुआ ये हमला हमारे लिए एक सबूत है कि कातिल अभी भी इसी शहर में है और हमारे आसपास है। तब तो हमला दोबारा होना चाहिए। होगा। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? हा? दिमाग खराब नहीं, ठीक हो गया है। उस मैचबॉक्स को हासिल करने के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती।
कोई मदद नहीं कर सकती? अरे मेरी जान, तू मेरी मदद नहीं करेगी तो कौन मेरी मदद करेगा? कोई भी नहीं। साइलेंस हो, साइलेंस है। सीधी तरह से क्यों नहीं कहती कि तुझे करंची का करंट और चाहिए? हाँ हाँ, और वो भी पूरे 1 लाख। 1 लाख? वो इसलिए कि मैं आपका ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के जाना चाहती हूँ। ओए 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 ओए, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? आपका ये शहर खतरों से खाली नहीं। चांद पे हमला हो चुका है, मुझ पे कब हो जाए मुझे कुछ पता नहीं। ओए तू फिक्र मत कर, मेरे होते हुए तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँ। और पैसे ऐसे थोड़े मिल जाते हैं, काम करना पड़ता है, वर्क वर्क। तू मुझे मेरा मैच बॉक्स ला दे और 1 लाख रुपया ले जा। और अगर ना लाऊं तो समझो कि 1 लाख रुपया गॉन। हाँ, अगर आप मुझे रुपया नहीं देंगे खन्ना साहब, तो मैं आपका पोल खोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। ओए कुड़िये, तू मुझे धमकी दे रही है? मुझे? Threatening me? हाँ, धमकी दे रही हूँ। तो फिर इस धमकी का जवाब भी सुन ले। अगर तूने मेरे पोल खोलने की कोशिश की ना, तो मैं इस जबान को बंद करना भी जानता हूँ। मैंने बड़े बड़ों को साइलेंस कर दिया है। पिन ड्रॉप साइलेंस, समझी? हेलो। हेलो चांद। हाँ बोलो रूबी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहीं रागनी के कातिल के बारे में तो नहीं? इस वक्त ज्यादा सवाल मत करो। ठीक है, तो बताओ कहाँ मिलना है? आज ही रात को होटल के बार में मेरा शो है, हम वहाँ मिलेंगे। Thank you.
टाइम नहीं है चांद, वक्त निकला जा रहा है, तुम हो कहाँ? ले जाओ उसको। ओ जान, कहाँ हो तुम? चांद, चांद तुम कहां रुक गए? मैं कब से तुम्हारे इंतजार? रूबी, 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 ये सब कैसे हुआ? चांद, तुमने बहुत देर कर दी। ये कैसे हुआ? अपनी गुनाहों की सजा मिली है मुझे। ऐसे कौन से गुनाह किए तुमने? वो सब एक लंबी कहानी है, उसे छोड़ो, काम की बात सुनो। सुबह 3 बजे प्रकांसा टापू पे पहुंचो, वहां तुम रागनी के कातिल को पकड़ सकते हो। ये सब तुम कैसे जानती हो? मुझे आज मैचेस क्लब से होने वाले डील का मैसेज मिला था। तुम्हारा मैचेस क्लब से क्या वास्ता? मैं उन लोगों के लिए काम करती थी। और उन्हीं लोगों ने तुम्हें? अगर उनसे गद्दारी नहीं करती तो तुमसे वफादारी कैसे कर सकती थी चांद? नहीं रूबी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बस बस एक बार 760 का नाम बता दो। रूबी, 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 रूबी। मिस्टर चांद कपूर आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत शौक था आपको सबूत देखने का, और हमें भी मुद्दत से ऐसे ही मौके की तलाश थी। देख लीजिए, कातिल भी सामने है और लाश भी। जंग साहब, खून मैंने नहीं किया। हर मुजरिम यही कहता है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आपको जो भी कहना है अदालत में कहिए। मिस्टर दामले, गिरफ्तार कर लो। चांद, तुम ये गलत कर रहे हो। गलत ऐसा ही का फैसला तो अब बाद में ही होगा जंग साहब। याद रखो, तुम इस तरह से भाग नहीं सकते। जंग साहब, अब आप मुझे रोक नहीं सकते जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए असली कातिल को पकड़ ना लूं। देख क्या रहे हैं, पीछा करिए, किसी भी हालत में पकड़ कर लाइए। Come on!
सोनू मैं हूं। चांद तुम यहाँ? चारों तरफ पुलिस ही पुलिस खड़ी है। खैर वो छोड़ो, पहले बताओ आचार्य जी कहाँ हैं? पुलिस स्टेशन में चाचा जी के साथ। जैसे वो आए उन्हें ये दे देना। ये क्या है? अगला प्लान, उन्हें हर हालत में 3 बजे बरगेंजा टापू पर पहुंचना है। वहां पर हमारी रागनी के कातिल से मुलाकात होगी। चांद तुम ये झंझट छोड़ दो, मुझे तो डर लग रहा है। सोनू ये डरने का नहीं, कुछ करने या मरने का वक्त है। पुलिस मुझे रागनी और रूबी का कातिल समझती है। मैं तभी बच सकता हूँ जब असली कातिल को पकड़ लूँ। चांद अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ हो न जाए। जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। रही बिना नाम वाली कब्र। कौन? 503। सबूत? माचिस जला, माचिस बुझा। ठीक है, माल लाए हो? हाँ। किसी ने पीछा तो नहीं किया? नहीं। 10 मिनट इंतजार करो, हम पहुंचते हैं। ओके। बैग, कोट। पांच शून्य तीन। अरे भाई कहां हो? मैं यहां हूं। नंबर? तुम्हारे सामने वाले क्रॉस के बीच में। 503 आनंद मंगल, अति उत्तम। हां तो फिर देरी किस बात की है, माल लाइए। आप कौन हैं? 402 402। लेकिन डील तो 760 से हुई थी। हम उन्हीं के भागीदार हैं। हमारे सुप्रीमो का ऑर्डर है कि माल 760 के अलावा और किसी को ना दिया जाए। क्या हम पर भरोसा नहीं है? सवाल भरोसे का नहीं, डील का है। आपकी तारीफ? मैं 112 हूं। ओ, अगर 760 नहीं आ रहे तो मैं वापस जा रहा हूं। रुकिए, आ रहे हैं। माल दिखाइए,
तुम तो जानते हो कि माल सारा मूर्तियों में है। अब तुम माल दिखाओ। ये तो खाली है। लेकिन ये खाली नहीं है मिस्टर 760। उठो, तुम्हें हथकड़ी पहनाने का वक्त आ गया है। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट काहे? अच्छा हुआ दवे साहब आप आ गए। फौरन गिरफ्तार कर लीजिए इस कातिल को। सॉरी मिस्टर जंग, यू आर ऑल्सो अंडर अरेस्ट। खामोश, जानते आप क्या कह रहे हैं? जंग साहब, ये जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप तीनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आचार्य जी, आप कहां से टपक पड़े? आचार्य जी नहीं, ब्रिगेडियर भवानी सिंह चौहान फ्रॉम आर्मी इंटेलिजेंस, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फॉर CBI दिल्ली, जिसको पुराने पुजारी के मर्डर के बाद आपके गैंग का पर्दाफाश करने के लिए आचार्य जी बनाकर अपने इस असिस्टेंट के साथ यहां के मंदिर में भेजा, ताकि आप और आपके साथियों को बासबूत गिरफ्तार किया जा सके। ऐसा कौन सा जुर्म किया मैंने? कौन सा जुर्म नहीं किया, बेहिसाब जुर्म। आपकी जालसाजी, काला बाजारी, सोने और नशीली दवाइयों की स्मगलिंग से लेकर कत्ल तक के संगीन जुर्म से CBI की सब फाइलें भरी पड़ी हैं। कमी थी तो सिर्फ सबूतों की, आज वो भी हमारे हाथ लग गई हैं। ये सब झूठ है। झूठ नहीं, यही सच है। मिस्टर कतूरिया, तुम एक निहायती घटिया किस्म के आदमी हो, जो अपने गंदे मकसद को पूरा करने के लिए मंदिर और देवी की पवित्र मूर्तियों को इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। और अगर पुराने पुजारी जैसा शरीफ आदमी आप लोगों को रोकने की कोशिश करता है, तो आप उसका भी खून कर देते हैं। अरे भाई, वो हरामखोर शरीफ आदमी नहीं था। अरे भाई, वो तो हमें ही ब्लैकमेल करता रहा। ससुरे के मुंह में पैसे का खून लग गया था, और उस खून को पहुंचने के लिए आपने उसकी भी हत्या कर दी। ओह शिट। खून, मर्डर, ये सब तुम्हारे काम है मिस्टर, जिन्हें छुपाने के लिए तुम हमें इस जाल में फंसा रहे हो। जालसाज ये नौजवान नहीं, आप हैं मिस्टर कथुरिया, उर्फ AK, उर्फ कैथी, उर्फ 760। और आपका असली रूप दिखाने के लिए मैंने शहर के खास आदमियों को गवाह बनाकर यहां बुलाया है। देखिए चारों तरफ। कथुरिया जी, कथुरिया बदुर बिठे मुंह, कपड़े सफेद पहनता है और करतूत काले करता है, कर दो उसका मुंह भी काला। सोनू, यही है तुम्हारी बहन रागनी का कातिल। उस दिन मंदिर में जब जलसे की तैयारी चली थी, उस वक्त ये और इनके साथी मिस्टर जंग और श्रीमान अग्रवाल षड्यंत्र रच रहे थे। उस रात रागनी कमरा नंबर 112 की तरफ गई, यह सोचकर कि मैंने उसे बुलाया है। लेकिन जब वो वहां पहुंची 31 दिसंबर की रात को, जब सारी दुनिया पुराने साल को अलविदा कह रही होगी, तब तक हम 20 करोड़ का सोना 5000 मूर्तियों के जरिए अलविदा कह चुके होंगे। मूर्तियों का बनाना और सामान को लोड करने की जिम्मेदारी आपकी अग्रवाल जी, बाकी आप सप्लाई की चिंता मत कीजिए, मेरे मैचेस क्लब के मेंबर्स ये काम संभाल लेंगे। परंतु कपूर साहब की मिट्टी पर भी तो हजारों प्रश्न हैं। देवी माँ की कृपा से मैंने उसका इंतजाम भी कर लिया है। खन्ना साहब का बैंक कपूर साहब को लोन पे लोन दिए जा रहा है, और याद रहे, उधार वो मेहमान है जिसके घर ठहर गया लंगोटी भी ब्याज में वसूल करके जाता है। बस दबाव बराबर होना चाहिए। अरे तटिक, और दबाइए दबाइए कथुरिया जी, दबाइए। कपूर साहब का दिवाला निकल जाने के बाद मैं ये सारी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, और मैं इस प्रॉपर्टी की देखभाल करने वाला पुलिस ऑफिसर। अच्छा होगा, रिटायरमेंट के बाद भी काम में मसरूफियत बनी रहेगी। लेकिन इससे पहले हमें आचार्य जी को रिटायर करना पड़ेगा। नहीं,
तू यहाँ क्या कर रही थी? हमारे कार्यक्रम की जासूसी। तूने क्या क्या सुना? सब कुछ। खामोश। जब चंदर रागनी को मिलने कमरे में पहुंचा, वहां उसे उसकी लाश मिली। अरे बाप रे, बाप रे, बस 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 बस। अरे देवी भैया से कुछ तो डरो। अरे उसे अपनी इस मनगढ़ंत और झूठी कथा में तो ना घसीटो। जी हाँ अग्रवाल साहब, तभी तो ये झूठ और गंदगी आप देवी माँ की मूर्तियों में अपने गोडाउन का स्टॉक चेक करने के बहाने भरा करते थे। जिनकी डिलीवरी मिस्टर कतूरिया और 760 के गैंग और मैचेस क्लब के स्पेशल मेंबर इन माचिस नुमा रसीदों को दिखाकर ले जाते थे। इन्हीं की वजह से आज हम इन्हें पकड़ने में कामयाब हुए हैं। याद कीजिए मिस्टर कतूरिया, आपकी मैच बॉक्स कहाँ गिरी थी? नहीं याद आ रहा है कतूरिया साहब? कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। उस दिन मैं जब आपको अपनी टैक्सी में एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, आप कुछ ज्यादा ही छींक रहे थे। आपके रुमाल के साथ आपकी कई और चीजें बाहर गिर गईं और उनमें ये माचिस भी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी गेम तो मुझे अब समझ में आई है। आप तूने ही मुझे रूबी के चक्कर में धोखे से फंसाया, फिर उसी के जरिए मेरी बीवी के जेवरात उसकी ज्वेलरी गिरवी रखवा दिया और फिर रसीद की बजाय तूने मुझे माचिस का गोला मेरे हाथ में दे दिया। और लेना एक ना देने दो, मैं तो सियाबे में फंस जाता ना और खामखा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता। साइलेंस, फॉरएवर साइलेंस हो जाता। हाँ, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं और ब्रिगेडियर साहब आपसे भी माफी मांगता हूं। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया। मैं आपकी बेटी रागिनी को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपके चरणों में सर रख के प्रायश्चित करके शायद मेरी सजा। नो, थ्रो योर गन। लाओ तो भाई, लाओ। ये झुंझुरा बाप हमें दीजिए और आप नृत्य कीजिए। कोई चालाकी मत करना। मैं खून करता भी हूं और करवाता भी हूं। अगर पुजारी और रागिनी का खून मैंने किया है तो रूबी का मर्डर मैंने जंग से करवाया। डोंट मूव। चुप। इसका खून करने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका बेचारा कानून 4 खून करो या 40, फांसी सिर्फ एक ही दफा देता है। कोई हिलेगा नहीं। डोंट मूव, वरना मैं। भागे जल्दी। निकल गया। अब कोई फायदा नहीं, सुरंग का दरवाजा उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया है। मेरे ख्याल से सुरंग का दूसरा दरवाजा टापू वाले पुराने किले में निकलता है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनके स्मगलिंग का अड्डा भी वही है। सवेरा हो रहा है, इससे पहले कि वो वहां से निकल जाए तुम जल्दी उनका पीछा करो। कम ऑन, हरी अप। वो लोग कहां गए हैं? बता, नहीं तो तू कभी नहीं बोल पाएगा। बोल, बता। वो लोग बड़े जहाज की तरफ गए हैं। तुम लोग उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि चंद ही घंटों में वो हिंदुस्तान का बॉर्डर पार कर चुके होंगे।
भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? देव मैया की कसम, चलाओ जल्दी तेज चलाओ। अगर आप सोनू और चांद को एक हो जाने का आशीर्वाद दे दें। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन लिया आचार्य जी। देवी माँ की कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो तो ये जोड़ी तो बहुत बढ़िया जोड़ी है जी। अबे हंसता क्या है, उम्र भर की ट्यूनिंग के लिए तैयार हो जा, आशीर्वाद ले। चल आशीर्वाद, चल तू भी आशीर्वाद ले ले। प्रणाम। मुड़ा चल तू भी आशीर्वाद ले ले। जी मैं? और नहीं तो क्या मैं? चल बेटा। देखो उन सारी लाइफ हाय बाय बंद, सारी लाइफ उन साइलेंस हो, साइलेंस। ओए कपूर साहब, ओए कपूर साहब, लोन मंदी कर भूल जाओ, अति सारे आना, हम सब एक है एक। साइलेंस जी, साइलेंस।